हेलो हेलो, कौन? हाँ कालू सिंह। कौन बोल रहे? क्या हाँ मैं इम्तियाज बोल रहा हूँ। बोलिए। कैसा अरे क्या यार, काई का स्टेटमेंट दे रहे तुम वो? दे रहे? निकुल शर्मा जी के बारे में दे रहे? हाँ भाई, नुपुर शर्मा क्या है क्या नहीं मालूम ही है ना। हाँ क्या है ना, देश हिंदुस्तान की बेटी है। फिर हम लोग कौन है? हाँ नहीं हम लोग कौन है? कौन है तुम? नहीं तुम ही बोलो भाई। जैसे रही है तो हिंदुस्तान के, नहीं रही है तो हाँ पाकिस्तान के। बस हिंदुस्तानी हम। वही बोल रहा ना, इज्जत से, जैसा कि गौत्या नहीं करे, हाँ माहौल माहौल ठीक रखे, जुम्मे की नमाज के दिन सही नमाज पढ़ के घरों को चले गए तो हिंदुस्तानी बोलते अरे तुम्हारा। काम करा रो, एक काम करो, देखो हमारे जुम्मे की मस्जिद, नमाज के सुनो दिन सुनो सुनो अंदर। यार, हमारे मस्जिद में आने के लिए किसको भी रोक टोक नहीं है। हाँ कोई हमारे भी मस्जिद नहीं सुनो यहाँ। सुनो, कोई भी आ सकता, वो मालूम है मेरे को, मंदिर में भी रोक टोक नहीं है, वो भी आ सकता मालूम है मेरे को। एक काम करो आप लगा नहीं, एक बार जुम्मे के हमारे मस्जिद में आके एक आधा घंटा बैठो खाली। कौन बैठना? आप लगा बैठो जी, नहीं बैठता आप भाई, नहीं लगा बैठता। बैठो, आपकी इज्जत से बिठाएंगे हम लोग आप लोगों को। सुनो सुनो माना चला, माना चला, सुनो, मैं माना चला, मेरे ख्याल से हम नहीं बैठना। आप लोगों को इज्जत से बिठाएंगे वहां पर। अगर एक भी जुम्मे की बयान में अगर एक भी कुछ भी अगर हमारे मौलाना कुछ गलत बयान अगर करेंगे, गलत अगर एक बात स्पीच बोलो, मेरी बात देंगे, सुनो, मेरी गलत बात स्पीच सुनो, देंगे तो वही चप्पल दे के मारो। मेरी बात सुनो। तुम्हारे मौलाना गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहे, सही स्टेटमेंट दे रहे बोल के इससे मस्जिद में से पत्थर लेके आगे बढ़ता रहे हैं। कहाँ पर? तुम्हारे लोग आके, अरे यारो मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इंसान मंदिर के ऊपर पत्थर पत्थर मान रहा और किसी भगवान को अगर इज्जत नहीं दे रहा तो वो इंसान मुसलमान ही नहीं है। फिर इसका से तो इससे पत्थरबाजी हो रहा है, और आजमाबाजी हो जो रहा है। जो हिंदू जो दूसरे धर्म की इज्जत नहीं करता, मुसलमानों के बारे में अगर बुरा बोलता, उन्हें भी हिंदू नहीं है। तो कुछ भी नहीं भाई, सुनो मेरी बात। मैं समझ रहे बात को, तुम ये नुपुर जो शर्मा भी है जी क्या है, नुपुर, सुनो सुनो, नुपुर शर्मा तुम्हारी बहन होंगी लेकिन आज पूरे मुसलमानों के दिलों में उन्हें एक नफरत और एक शैतान है। कुछ भी नहीं है, सब गलत है। नुपुर शर्मा नहीं के आज तक कोई भी आएगा उसका सर्वनाश कर डालते, गारंटी लिख के दे रहा हूँ मैं। वो वक्त बताएगा भाई, वो वक्त बताएगा, तो वो बता वक्त रहा बताएगा। आज अरे पूरे वर्ल्ड में, आज आज खाली पूरे, नुपुर शर्मा के लिए आज पूरा हिंदुस्तान में पूरा आज माहौल एक बात इतना खराब सुनो, हो गया, पूरा तुम लोगों को नुपुर जर्रा दिख शर्मा रहा के ना साथ यार, में आज पूरा इंटरनेशनल आज भी आतंकवादी पूरा बन गया है। हिंदुस्तान की पूरी आवाम परेशान है, पूरी हिंदुस्तान की पूरी पुलिस परेशान है। अगर ये लोगों को सिर्फ हम लोग क्या बोल रहे, खाली ये बदमाशों को जो भी इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं और जो भी हिंदू धर्म के खिलाफ भी, अगर अरे कोई भी यार बोल रहा, सुनो यार, इस्लाम का जो भी क्या हिंदू मतलब धर्म, है यार, उसको क्यों पड़े इतना? कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ कोई भी मुसलमान भी बोल रहा होगा और कोई भी हिंदू अगर मुसलमान के खिलाफ मुसलमान के धर्म के खिलाफ बोल रहा होगा, वो लोगों को पहले फांसी दियो बोल के बोल रहे हम। नहीं नुपुर शर्मा हाँ जो नहीं, इतिहास जो है, जो है वही बोले नानो, नुपुर कुछ शर्मा को हम इससे खाली नहीं इतना ही बोले बोल ना। रहे, खाली गवर्नमेंट को हम इतनी बात बोले थे, हम मोदी गवर्नमेंट को, इन्हें हमारे इस्लाम के खिलाफ बोली तो इसको फांसी दियो बोल के बोले। अच्छा मैं गलत नुपुर बात, शर्मा, अच्छा सुनो जो सुनो, इस्लाम नुपुर के बोले शर्मा, हो ना नुपुर शर्मा सही है तो सही है, फिर हंड्रेड इनको परसेंट सुनो नुपुर सुनो, शर्मा फिर गलत है। बीजेपी की पार्टी के फिर आपके मोदी सरकार कहीं को निकाल दिया उनको? हाँ कौन बोले नहीं निकाले, कुछ भी नहीं निकाले, सस्पेंड करे, सस्पेंड करे भी तो ले लेते वही यार, पार्टी जब के। सही है तो सस्पेंड क्यों करे, हाँ सही जब सही है तो उसको निकाले क्यों? अरे है, जो करना था वो कर दिया, आने वाले दिनों में से ले लेते हम पार्टी में। यारो जब तू ना खुद बोल रहे, जब इन्हें सही है तो इसको पार्टी में से निकाले क्यों? परसेंट 200% सही है बोल के आज 18 लाख तुम लोगों को कब अक्ल आएगी का यार लोन वो? आज दिए देखो पूरा नुपुर के हिंदुस्तान में साथ में। कैसे कैसे दंगे फसाद आ रहे, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट पूरी, चाहे यूपी की रहने दो, चाहे वो तेलंगाना की रहने हाँ दो, चाहे वो आंध्रा की रहने दो, हर तरफ पूरी पुलिस परेशान है और पूरी आवाम जो पूरी दंगे परेशान फसाद है। कर रहे हैं ना, और सुनो हम लोग क्या बोल रहे हैं, खाली उसको सजा दो बोल के बोल रहे हैं हम लोग। बरोबर, सुनो मेरी बात सुनो, हाँ जो और दंगे फसाद कर रहे हैं तुम ना लोग कौन आज बोलता यहाँ रहे पे, भाई, ये सुनो कौन सुनो बोलता सुनो रहे भाई, ये जुम्मे की सुनो बयान में हम सुनो, लोग गलत स्टेटमेंट दे रहे बोल के? मैं अरे तुम लोग को बोल रहा हूँ सुन ना। मेरी बात सुन, पहले मेरी बात सुन। हाँ आज आज तुम्हारा है तेलंगाना का, तुम्हारा तेलंगाना का सीएम, मेरा नहीं तुम्हारा, सेकुलरिज्म सीएम जो है ना तेलंगाना का, हाँ आज तेलंगाना का सेकुलरिज्म सीएम है बोल के आज तुम सब लोग आ बचोगे, अरे उत्तर लाख प्रदेश देख दर्द है, लेते वो ना, जुड़े सीएम पे ना। भी अच्छा है सुनो रे भाई, लाख सुन 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 दर्द सुन सुन सुन, योगी जी रहते तो अब तक तुम्हारे घरों पे बुलडोजर चढ़ जाता था, है। जो इम्तियाज बता बेफिक्र दी जो रहो, दुनिया तुम्हारे को। आने वाली सरकार कभी नहीं आएगी, कभी बीजेपी बीजेपी कभी 100% नहीं आएगी। आएगी, 200% और एक बीजेपी, बात दोनों मैं लिख के रख, गवर्नमेंट अरे में तेलंगाना सुन में। सुनो सुनो, और एक बात मैं बोल हाँ रहा हूँ, हिंदू भाइयों को अच्छी तरीके से मालूम हो चुका है ये पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम करती, करने के काम कुछ भी नहीं करती।
कुछ नहीं करती क्या है, क्या कर रहे हिंदुओं के लिए, क्या कर रहे तुम्हारा ये बोलो, कैसे इंटरनेशनल कंट्री हिंदुस्तान, हिंदू हिंदू भाइयों को अगर कुछ करना है तो एक काम करो, इनके घरों के अंदर, हिंदू भाइयों के घरों के अंदर गैस का सिलेंडर 300 रुपए में दियो, और इनके बच्चों को पढ़ाई फ्री करो, इनके बच्चों को पढ़ाई फ्री करो, और पेट्रोल पंप पे नहीं हिंदू भाइयों को 50 रुपए में लीटर पेट्रोल डलाओ। तो जब हम बोलेंगे वाह है ना भाई मोदी सरकार जो है हिंदू भाइयों के लिए कितना सपोर्ट कर रही है, देखो मुसलमानों के लिए कितनी कर रही है, क्या बोलते हो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाते फिर, अरे भाईगन ना जाते कहीं कूदेंगे भाई, कहीं कूदेंगे अरे किसी का नहीं है रे भाई, सबका है, तेरा तुम्हारा भी है हमारा भी है, हिंदुस्तान का मतलब हिंदुओं का स्थान है, तुम लोग हिंदू तेलंगाना में राजा सिंह पूरा हिंदू और मुसलमानों का माहौल खराब कर रहा, और वहाँ पर तुम्हारी नुपुर शर्मा और जितने भी जो वो नरसिंह यादव है कौन है वो, उन्हें भी पूरा माहौल खराब कर रहा पूरा, हेलो क्या गुरु यार, गुरु इसको बोलते गुरु, सुनो सुन गुरु किसको बोलते मालूम, जो दूसरों की भी इज्जत करे और अपने धर्म की भी इज्जत कर ले और दूसरों के धर्म की भी इज्जत कर ले, उसको बोलते रहे गुरु, खाली तमाशा कर रहे थे खाली, और कुछ भी नहीं है, मालूम बेफिक्र रहो, बेफिक्र रहो, आने वाले वक्त पे हम इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, आने वाले वक्त मुंह तोड़ जवाब देंगे, जो तुम्हारा जो पावर का नाजायज जो फायदा उठा रहे ना, आँख लगाने वाले ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, वो वक्त बताएंगा भाई, वो वक्त बताएंगा, वक्त तो बता रहा है, फिर कहीं को फिर अंदर बैठे हुए रहे चुड़िया में, इनके बाहर निकलो ना फिर चुड़िया देंगे उन्हें, नुपुर शर्मा कुछ भी नहीं है, कल का स्टेटमेंट सुनो शेरनी का, हाँ वो अंदर बैठ के कुछ दे रहे स्टेटमेंट, कल डिबेट था वो अंदर बैठ के कुछ, अगर हिम्मत है खाली बाहर निकल, खाली हमारे वो नुपुर शर्मा को खाली हमारे औरतें काफी है, खाली हमारे मर्दों को दूर की बात, कैसे बुरखों में रखे, बुरखों में मालूम रहे भाई, सुन बुरखों में कहीं को रखते, तुम बोल रहे ना हिंदुस्तान भी हमारा है, हिंदुस्तान आजाद देश है, आजाद करो फिर, भूखों में क्यों रख रहे, कहीं को आजाद नहीं है, अरे हमारे सर का आजादी सर का आजाद रखो, अरे हम लोग आजादी फिर रहे भाई, माता बहन मेरे आजाद, कुछ समझ नहीं आ रहा तुम लोग को हम लोग से इतना डर कहीं को रे भाई, तुम लोग इतना डर कहीं को हम लोग से, डर नहीं बोल रहा हूँ, आजाद की सरकार रखो, भूखों में डाल के क्यों रख रहे, मालूम अरे वो हमारी इज्जत है रे भाई, वो इज्जत वो हमारी इज्जत है, हम ये भी बोल रहे हैं, अगर तुम लोगों को भी अगर पहनना है तो पहनो, अच्छा है बोल रहे हम लोग, तुम लोगों को भी पहनना है तो पहनो, तुम लोगों को भी पहनना है तो पहनो, हम लोग और खुशी होती हम लोग को भी, अरे चलो भाई हमारी भी हिंदू बहन भी बुरखा पहन के जा रही है, हेलो हमारे को भी खुशी होती, कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट, कर्नाटक हाई कोर्ट इसके ज्वाइन करी, वो छोड़ दो रहे भैया, हम करके बतलाएंगे, कुछ भी नहीं हो सकता तुम ना यहाँ पर आगे कुछ नहीं उखाड़ ले सकते, आज तुम्हारा सीएम सीएम ने बोल दिया है सुरक्षित है, लाग दर्द बहुत अच्छा है, वो लाग दर्द बहुत अच्छा है, उन्हें लाग दर्द तुम लोग खाली बट्टेबाजा रहे, खाली बट्टेबाजा खाली खाली हिंदू मुसलमानों खाली परेशान कर रहे खाली, बस और कुछ भी नहीं है, सीएम अच्छा है, हिंदू मुसलमानों को खाली परेशान करके बैठे हुए खाली, और कुछ भी नहीं है तुम्हारा, पाकिस्तान चल जाओ ना, मेरे देश को कोई परेशान कर रहा है, बहुत देश तेरा देश रहता तो तुम लोग कब की मुस्लिम हिंदुओं की तरफ दुनिया का परे आज दुनिया की फैसिलिटी देते थे, आज तुम ना हिंदुओं को फैसिलिटी दिए ना मुसलमानों को फैसिलिटी दे सके तुम लोग ना हिंदुओं को फैसिलिटी देगे, खाली तुम लोग खाली पार्टियां वाले खाली क्या करे मालूम, तुम लोग को खाली जानवरों को संभालो, जानवरों के जानवरों के पिशामा साफ कर लेते हैं, बैठो बोल रहे तुम लोगों की पार्टी वाले।